तो इस वीडियो में हम लोग आरंबोल बीच को और उसके आसपास घूमने वाली जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, अपने दोस्तों को दिखाओ यार। तो गाइस ये है आरंबोल बीच जो कि गोवा में पड़ता है, गोवा के नॉर्थ पार्ट में पड़ता है ये। बाकी गोवा के मुकाबले जो बीचेस हैं बागा बीच, कालंगुट बीच, कैंडोलिम बीच, ये उनके मुकाबले ज़्यादा क्लीन है आप देख सकते हो। बाकी जो सारे बीचेस हैं मैंने वहाँ भी विजिट किए थे, कुछ खास मतलब ठीक है, बट यार गंदगी वहाँ पे ज़्यादा है, क्राउड उस साइड में क्राउड होने की वजह से जो बीचेस है वो काफ़ी गंदे हो गए हैं, सफाई वगैरह उतनी हो नहीं पा रही है। बट अब ये वाला पार्ट है अभी नया नया फेमस हो रहा है, आरंबोल बीच। इसके आसपास भी कई सारी जगह है जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ, आप देखो वीडियो में और खुद बीच को देखो ऐसा है कुछ। मेरे पीछे आप जो देख सकते हो ये जो लेक है ये है स्वीट वाटर लेक, जो कि आरंबोल जो बीच है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आपको लगभग 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस करके यहाँ आनी होती है। और देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा है फिलहाल में, तो इसका जो पानी है वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ पानी है। पानी में आपको मछलियाँ चलती हुई साफ दिख रही हैं, छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो आपको काफ़ी साफ दिख रही हैं। यहाँ आने के दो तरीके हैं फिलहाल, आप एक होता है कि आप ट्रैक करके ऊपर से आओ और एक होता है कि समंदर के बीच साइड से आओ, तो आप दोनों साइड से यहाँ पे आ सकते हो। नहीं मतलब उतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं है, देखो मछलियाँ जो है ना छोटी वाली सामने चलती हुई दिख रही हैं पानी में। और ये यहाँ मतलब ये जो फेमस प्लेस है, एक छोटा सा लेक है, सामने उस साइड में समंदर है पीछे, और यहाँ पे छोटे मोटे जो कॉटेज वगैरह बने हुए हैं, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो तो आप यहाँ पे रह सकते हो, नाइट स्टे कर सकते हो। यहाँ पे सामने ही बीच है समंदर का, तो आप सामने बीच में भी जा सकते हो। पानी काफ़ी अच्छा है, फील भी अच्छा हो रहा है पैरों में। सबसे अच्छी बात ये काफ़ी क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, तो आपको यहाँ पे आके अच्छा लगेगा। ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो गोवा का आरंबोल बीच है उससे जस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ पे आओ, और इसका अगर गोवा आते हो, आरंबोल बीच आते हो, तो आप एक बार यहाँ पे, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आओ, क्योंकि अच्छी जगह है ये, टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा है। और आप अगर कपल वगैरह आते हो तो उसमें भी आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो एक तरह के चिलिंग माइंड, ये काफ़ी शांति वाला प्लेस है। आप ये देख सकते हो सामने फिलहाल में झंडे वगैरह लगे हुए हैं, और काफ़ी छोटा सा लेक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो वीडियो में अभी जो है मैं फ़िलहाल में ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके ऊपर जाने वाला हूँ, तो वहाँ पे सुनने में आया छोटे छोटे मंदिर वगैरह हैं और वो देखेंगे, प्लस वहाँ से जो पूरा समंदर का जो व्यू दिखता है तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर वहाँ काफ़ी वो व्यू पॉइंट है जहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो, काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आते हैं अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो। तो चलो वहाँ चलते हैं। तो गाइस अभी हमने स्वीट वाटर लेक देख लिया, और अभी हम इस रास्ते सोते हुए ये जो पहाड़ है ट्रैकिंग करके ऊपर जाएंगे, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि वहाँ से व्यू वगैरह कैसा है। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग ये जो रास्ता दिख रहा है इससे ऊपर चढ़ के जाने वाले हैं। ट्रैकिंग हो गई छोटी मोटी, यहाँ भी काफ़ी अच्छी है देख सकते हो आप, रास्ते एक और चढ़ाई आ गई ऊपर जाना चढ़ के, आओ पैर ना फिसले, बस यार जूते पहन रखे हैं। हाँ
तो फाइनली इतना ऊपर चढ़ गया। काफी अच्छा व्यू है यार यहाँ पे, मतलब जिनको भी ट्रैकिंग पसंद है उनको ये जगह अच्छी लगेगी, तो अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट अकेले मत आना, किसी के साथ में आना, एक दो वगैरह साथ में आओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अकेले आते हो तो इधर मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते, पहले मैं बता दूं, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है किसी को कॉल नहीं कर पाओगे, बेटर है कि लोगों के साथ में आओ, ग्रुप में आओ, टाइम बिताओ फिर चले जाओ। तो गाइज ये है कॉटेज, है जस्ट यहाँ पे बीच है, ये यहीं से बीच स्टार्ट है पूरा प्रॉपर, और मैंने जो रूम बुक किया हुआ है वो ये है कॉटेज, आप देख सकते हो मेरा बैग पड़ा है अंदर में, ये काफ़ी अच्छा है, और आप लाइटिंग्स वगैरह देखो कितनी अच्छी है, डेकोरेशन अच्छी है, एक अच्छी वाइब आती है यहाँ पे पॉजिटिव, तो देख सकते हो। आना है तो इस होटल में भी रूम वगैरह बुक करो, देखो सामने है, आप ऊपर बीच व्यू के लिए होटल में रूम भी बुक कर सकते हो, और कॉटेजेस वगैरह चाहिए आपको तो ये ऐसे छोटे छोटे कॉटेज होते हैं देखो, तो ये कॉटेज वगैरह भी आप बुक कर सकते हो, और इस साइड में प्रॉपर ये यहीं से बीच स्टार्ट है, तो घर से निकलते ही सीधे बीच पे जाओ, एंजॉय करो, काफ़ी अच्छा आपको टाइम यहाँ स्पेंड करने को मिलेगा, तो आओ और एंजॉय करो, लाइफ में एक ही लाइफ है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर।